चलिए शुरू करते हैं एक बार फिर से रुका हुआ काफिला और रुका हुआ सिलसिला। जी हाँ, जिसको मैं पिछले साल छोड़ के आगे बढ़ गया था। बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर में वापस लौटते हैं और थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट था माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी मैंने उस टाइम यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट फिफ्थ खत्म कर लिया था। यूनिट फोर और यूनिट थ्री बाकी था। तो चलिए पुराने काल का आगे बढ़ाते हैं, इसको पूरा करते हैं। और बहुत दिनों से आपके मैसेज आ रहे थे कि सर इसको पढ़ाइए, इसको पढ़ाइए, इसको पढ़ाइए। तो शुरू कर रहे हैं आप सबके डिमांड पर माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट नंबर थ्री। चलिए शुरू करते हैं सबसे। तो माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट थ्री में जो टॉपिक हमारा है फ्रेंड, वो टॉपिक है, पहला टॉपिक है डिसइंफेक्टेंट के बारे में। तो आपको पता होता है कि डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या है। देखिए, ये डिसइंफेक्टेंट वर्ड खुद ही में बता रहा है कि डिस आप देख रहे DIS और इन्फेक्टेंट। इन्फेक्टेंट मतलब जो ऐसे माइक्रोब जो इन्फेक्शन बढ़ाते हैं, और डिस मतलब उनको डिस्टर्ब कर देना, यानी उनको नष्ट कर देना। तो किसी भी क्या होते हैं कि जो इन्फेक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनको किल करना, उनको रिमूव करना, दे आर डिसइंफेक्टेंट। अब आप कहेंगे भैया कि स्टरलाइजेशन भी तो पढ़ाए थे, वो भी तो यही होता है। तो स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट में फर्क क्या है? स्टरलाइजेशन में क्या होता है कि आप कहीं भी क्या करते हैं, किसी भी फूड आइटम को, किसी भी बॉडी को, या किसी पार्ट को क्या करते हैं, आप उसको स्टरलाइज करते हैं। और स्टरलाइज का मतलब भी वही होता है कि माइक्रोब्स को किल करना या रिमूव करना। तो बात आती है कि डिसइंफेक्टेंट और आपके आपके डिसइंफेक्टेंट और स्टरलाइजेशन में डिफरेंस क्या है। आजकल चल रहा है कोरोना का टाइम, तो आप लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, आप लोग सैनिटाइजर से बार बार हाथ धोते हैं। तो जो सैनिटाइजर से आप हाथ धो रहे हैं, जिसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, वो बेसिकली स्टरलाइजेशन, यानी आपके सरफेस में, आपके हाथ के, आपके बॉडी में जो भी कोरोना वायरस या माइक्रोब्स जो भी हैं, उनको वो किल करेगा। तो आप बात करें कि डिसइंफेक्टेंट क्या है, आपने एक नाम सुना होगा हॉपिक या फिनाइल, जिससे आप लोग अपने घरों के वॉशरूम, टॉयलेट, टाइल्स साफ करते हैं। तो क्या आपसे कहा गया गाइडलाइन में कि आप लोग हॉपिक से हाथ धोइए, फिनाइल से हाथ धोइए? भाई वो भी माइक्रोब्स किल करता है, वो भी जर्म्स किल करता है। तो जो क्या फर्क है हॉपिक में और क्या फर्क है आपके स्टरलाइजर, आपके जो आपने सैनिटाइजर यूज किया है? तो बेसिकली जो डिसइंफेक्टेंट है आपका हॉपिक और फिनाइल, उसमें एक ही फर्क है, जिस फर्क को मैं बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनना। स्टरलाइजेशन जो होता है वो आपके बेसिकली लिविंग सरफेस के लिए होता है, लिविंग आइटम्स के लिए होता है, जैसे फूड पैकेट्स है, फूड मटेरियल है, आपकी बॉडी सरफेस है, यानी वो देखा जाए तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में यूज कर सकते हैं। लेकिन हॉपिक यानी आपका जो डिसइंफेक्टेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग सरफेस के लिए होता है। यानी एक वर्ड आपको बहुत यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, दिस इज नॉन लिविंग सरफेस। यानी डिसइंफेक्टेंट को हम क्या कह सकते हैं, तो अगर आप इसको डेफिनेशन लिखना चाहें तो डिसइंफेक्टेंट्स आर दोज केमिकल कंपाउंड्स व्हिच आर बेसिकली यूज्ड ऑन द नॉन लिविंग सर्फेसेस फॉर किलिंग द एंड इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस। ओके, ये होते हैं हमारे डिसइंफेक्टेंट। क्लियर हो गया कि डिसइंफेक्टेंट क्या है? सीधी भाषा में कह सकते हैं कि एनी स्टरलाइजेशन प्रोसेस विच इज अप्लाई फॉर द नॉन लिविंग सर्फेस, दिस इज कॉल्ड डिसइंफेक्शन। और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसइंफेक्शन, और इस कंपाउंड को बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। तो ये डिसइंफेक्टेंट की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी हो गई कि वो नॉन लिविंग सरफेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके आइडियल प्रॉपर्टीज की। अगली इंटरोगेटिंग बच्चों, आइडियल प्रॉपर्टीज कि जो भी आपके डिसइंफेक्टेंट है उसमें क्या क्या आइडियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आइडियल प्रॉपर्टी में ये होना चाहिए, पहला कि इजी टू अप्लाई एंड इजी टू रिमूव। ठीक है, इजी टू अप्लाई एंड इजी टू रिमूव। यानी आप लोग कभी घर में हॉपिक यूज किए होंगे टॉयलेट्स वगैरह में, या बेसिन या टाइल्स में, आप तो नहीं करे होंगे, आप लोग आलसी बच्चे, घर में मम्मी लोग करती होंगी या कोई सफाई वाला करते होंगे। भाई मैंने तो सारा काम किया, मुझे पता है कि क्या होता है इजी टू अप्लाई, इजी टू रिमूव। मतलब क्या है कि एक बार आप हॉपिक उस पर डालते हैं और उसको छोड़ देते हैं, और थोड़ी देर बाद उसको पानी से वाश करते हैं तो आसानी से वो सूख जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको आपने डाला तो वो बहुत सॉलिड है, वो गिर ही नहीं रहा है, वो डिस्पर्स नहीं हो रहा है, और डिस्पर्स हो गया तो वो कलर पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहा है, पानी डाल के रगड़ रगड़ छूट नहीं रहा है। यानी वो इतना सॉफ्ट और इजी होना चाहिए कि नॉन लिविंग सर्फेस तो आसानी से डिस्पर्स हो जाए। यानी इतना डायरेक्ट होना चाहिए कि वो आराम से
स्पष्ट हो जाए और आसानी से वाटर से आप वॉश करें तो इसी टू रिमूव हो जाए। दूसरा देखा जाए ये नॉन कोरोसिव होना चाहिए। नॉन कोरोसिव का मतलब है कि जिस सरफेस के ऊपर आप इसको अप्लाई कर रहे हैं ऐसा नहीं उसका कलर ही छोड़ दे रहा है। जैसे कभी कभी आप टाइल्स वगैरह या जमीन वगैरह एसिड से साफ करिए तो जब आप साफ कर देंगे तो पूरा एसिड जो होता है दीवार सफेद हो जाता है, जमीन वो इस बर्ड कोरोसिव नेचर का होता है। तो आपका जो दूसरी प्रॉपर्टी है कि आपके जो डिसइंफेक्टेंट है वो नॉन कोरोसिव नेचर के होने चाहिए ताकि आप किसी भी सरफेस पे अप्लाई करें तो सरफेस पे किसी भी प्रकार का कोई स्पॉट दाग धब्बा ना पड़े। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि द डिसइंफेक्टेंट शुड बी कोरोसिव नॉन कोरोसिव नेचर। तीसरा इजिली अवेलेबल, ऐसा मटेरियल ना हो कि विराट कोहली के पानी की तरह है भैया उसको इटली से मंगाना पड़े विदेश से मंगाना पड़े पानी पीने के, इजिली अवेलेबल हो आसानी से हर जगह मिल सके, ठीक है। नॉन चौथा होना चाहिए शुड बी नॉन टॉक्सिक, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए गलती से मान लीजिए आप उसको बॉडी में किसी अलग किसी अलग कमरे में सफाई कर रहे हैं और इतना ज्यादा टॉक्सिक है कि आपके इनहेल करते ही आपको खांसी आना शुरू हो गई आप बीमार पड़ना शुरू हो गए तो ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप खुद से बनाकर लिख सकते हैं। ये हो गई इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज की कैसा हमारा डिसइंफेक्टेंट होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ डिसइंफेक्शन, यानी डिसइंफेक्टेंट को हम किस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन देखा जाए तो किस ओरिजिन में है कहां मिलता है उसके बेसिस पे हम इसको तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होते हैं नेचुरल डिसइंफेक्टेंट, दूसरे होते हैं फिजिकल डिसइंफेक्टेंट और तीसरे होते हैं केमिकल डिसइंफेक्टेंट। ओके, तीन प्रकार के हमारे क्लासिफिकेशन हो सकता है डिसइंफेक्टेंट का, एक नेचुरल, दूसरा फिजिकल और तीसरा केमिकल। तो नेचुरल मतलब देखिए जरूरी नहीं कि कोई केमिकल यूज करे तभी कीड़ा मकोड़ा मरे। आप जानते हैं कि हमारे घरों में बहुत पुराने समय से हमारी मम्मी लोग क्या करती है, जब भी कोई अचार डालती है, जब भी कोई आइटम बनाती है या पापड़ चिप्स बनाती है तो उसको धूप में सूखने के लिए रख देती है। वो धूप में सूखने से मतलब ये है कि जो वो गर्म हवा और जो धूप होता है सनलाइट होती है उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो बैक्टीरिया वायरस को किल कर देता है। तो देखा जाए तो हवा और धूप भी तो हमारे लिए डिसइंफेक्टेंट हो गया। तो नेचुरल में हमारे यही चीज आते हैं, एक एयर और दूसरा सनलाइट, यानी जो धूप और हवा है ये नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है, इसे आप खुद से लिखेंगे। दूसरा फिजिकल में क्या होता है, अगर आप किसी भी चीज को बिना कोई केमिकल डाले आप गर्म कर देते हैं तो भी तो वो मर जाते, कीड़े मकोड़े उससे बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं। हम लोग सब्जियों को गर्म करके क्यों खाते हैं, नॉनवेज गर्म करके खाते हैं कि उसके अंदर जो भी माइक्रोब्स है वो किल हो जाए। तो इसमें आता है हीट, और हीट में दो प्रकार के होते हैं, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। पढ़ा है ऑलरेडी माइक्रोबायोलॉजी में, ड्राई हीट का एग्जाम्पल है हार्ट एयर ओवन और ऑटोक्लेव, सॉरी मोस्ट का एग्जांपल क्या है ऑटो क्लेव। तो ये हो गया हीट के द्वारा बाय द हीटिंग, ये फिजिकल मेथड है। और केमिकल मेथड में क्या होते हैं, सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल्स यूज किए जाते हैं जैसे कि एल्कोहल है, बेंजल कोनियम क्लोराइड है, लाइजोल है, फिनॉयल है जो हॉपिंग में होता है, डिटॉल है, ये सब केमिकल्स है। तो केमिकल को बेसिकली तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। एक होता है सॉलिड डिसइंफेक्टेंट, दूसरे होते हैं आपके लिक्विड डिसइंफेक्टेंट और तीसरे क्या होते हैं गैसियस डिसइंफेक्टेंट। यानी गैसियस के द्वारा भी, लिक्विड के द्वारा भी, सॉलिड के द्वारा भी हम अलग अलग प्रकार के डिसइंफेक्टेंट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि माइक्रोब्स को किल कर सकते हैं। तो अब केमिकल डिसइंफेक्टेंट के कुछ एग्जाम्पल हम बारी बारी से देखेंगे, उनके नाम आपको कॉपी में लिखना है। तो अगली हेडिंग होगी आपकी एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल डिसइंफेक्टेंट, यानी केमिकल डिसइंफेक्टेंट कौन कौन से हो सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल है, जैसे कि पहला है अल्कोहल। तो आपको पता है फ्रेंड कि जो अल्कोहल है वो सबसे बेस्ट आपका डिसइंफेक्टेंट है, आजकल जो सैनिटाइजर बनाया जा रहा है उसमें यूज करते हैं। तो अल्कोहल में बेसिकली एथिल अल्कोहल इटसेल्फ एक प्रकार का आपका डिसइंफेक्टेंट है। यहाँ पे हम आईपीए ले सकते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये भी एक तरह का डिसइंफेक्टेंट है जो कि नॉन लिविंग सर्फेस पे यूज करते हैं, जो कि आपके माइक्रोब्स के सेल मेम्ब्रेन को रैप्चर करता है। क्या करता है, इट बेसिकली रैप्चर्स द सेल मेम्ब्रेन, एंड एग्जांपल है एथिल अल्कोहल और आईपी। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं फ्रेंड एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड भी एक प्रकार का डिसइंफेक्टेंट है, दूसरा एग्जांपल लिखेगा, और इसमें बेसिकली जो होते हैं बेंजल्डिहाइड होता है, ठीक है, बेंजल्डिहाइड इसका एग्जांपल है और इसका प्रोपेन एल्डिहाइड, ये तीन जो है आपके बेसिकली एल्डिहाइड नेचर के होते हैं। ये जर्मिसाइडल होते हैं, यानी ये जर्म्स को किल करते हैं, मारते हैं और नॉन लिविंग सरफेस पे यूज करते हैं क्योंकि ये डिसइंफेक्टेंट। बस आपको एग्जांपल का नाम लिखना है। तीसरा फ्रेंड आप देखिए हैलोजन। हैलोजन में आपने कभी सुना होगा कि क्लोरीन गैस डाल दिया,
तो क्लोरीन गैस वगैरह ये सब जो है हैलोजिनेशन है, ठीक है, क्लोरीनेशन कर दिया, ब्रोमिनेशन कर दिया, ये सब एक तरह का देखा जाए हैलोजन का भी, ये हैलोजन गैसेस फॉर्म में आते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं सरफेस के ऊपर अप्लाई करके सरफेस को बैक्टीरिया या वायरस फ्री कर सकते हैं, माइक्रोब्स किल कर सकते हैं। चौथा है आयोडीन। आयोडीन को अलग से क्यों रख रहा हूं, आयोडीन हैलोजन के साथ भी आता है क्योंकि ये हैलोजन का ही पार्ट है, लेकिन आयोडीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आयोडीन के द्वारा ये इसका नेचर होता है कि ये जर्म्स को फंगस को किल करता है। अगर आपने कभी देखा होगा जब भी किसी ऑप्थाल्मिक सेक्शन या फेमटो सेक्शन में काम करते हैं तो वहां पे एक बार पहले फ्यूमिगेशन करते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, इसके फ्यूम उड़ाते हैं ताकि पूरे कमरे में गैसेस फॉर्म में फैल जाए और सारे माइक्रोब्स और वायरस यहाँ पे किल हो जाए। पांचवे की हम बात करते हैं हाइपोक्लोराइड। आजकल आपने सुना होगा ये बहुत ज्यादा फैशन में है, जहां पे भी आप लोग सुनते हैं ना कि सरकार ने उस बिल्डिंग को सैनिटाइज कराया और फलाने ने उस बिल्डिंग को सैनिटाइज कराया, उस मोहल्ले में फलाने के घर कोरोना पॉजिटिव निकले तो पूरी गली को सैनिटाइज कराया गया। तो क्या आपको लगता है कि वो जो सैनिटाइजर होता है अल्कोहल उससे पूरा छिड़काते होंगे? नहीं, वो बहुत महंगा आता है, इसके लिए यूज करते हैं बेसिकली हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड का 5% सोल्यूशन लेकर के उसको पानी में डाइल्यूट कर देते हैं, यानी हमने कहा 100 लीटर पानी लिया उसमें 5 लीटर हाइपोक्लोराइड मिला दिया तो ये ऑलरेडी बन जाता है ढेर सारा। अब उसी को छिड़काव करके पूरे गली मोहल्ले बिल्डिंग हॉस्पिटल में चारों तरफ इसी से सैनिटाइज कराते हैं, और सैनिटाइज केस में हाइपोक्लोराइड एक डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है जो किसी भी नॉन लिविंग सरफेस को पूरी तरह से वॉश करके क्लीन कर देता है। ये अगला एग्जांपल था फ्रेंड। अच्छा एग्जांपल यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं, तो बहुत से ऐसे कंपाउंड होते हैं जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। कैसे करते हैं? ये जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है उसके सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, रैप्चर कर देते हैं, जिससे बैक्टीरिया वायरस की मौत हो जाती है। ठीक है, सातवें की बात करें हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका भी नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं H2O2। कभी भी आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर के पास आप जाइए, आपकी ड्रेसिंग वेसिंग कर रहा हो या किसी सरफेस पे तो उसको चोट को धुलना होता है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज करते हैं। और हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होते हैं, ये भी एक डिसइंफेक्टेंट होते हैं जो कि माइक्रोब्स और नॉन लिविंग सरफेस पे किसी भी चीज को किल करते हैं। और एक आठवां एग्जाम्पल ले लेते हैं ओजोन गैस। ओजोन गैस क्या होते हैं फ्रेंड? O3 बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक तरह का गैसियस आपका होता है, इनर्ट भी है और गैसियस कंपाउंड है जो कि डिसइंफेक्टेंट है। जब भी किसी फूड से चिप्स वगैरह आप खाते हैं, चिप्स वगैरह है या कोई भी फूड आइटम्स है जो पैकिंग होती है और जिसको कि 2-3 महीने तक वो उसको बेचना होता है तो उसके अंदर ओजोन की गैस फिल की जाती है नाइट्रोजन के साथ ताकि वो सारे माइक्रोब्स बैक्टीरिया को किल कर दे और हमारा खाना जो पैकेट के अंदर पैक हुआ है वो लंबे समय तक खराब ना। ठीक है, तो फ्रेंड ये थे हमारे कुछ अलग अलग एग्जांपल जिसमें मैंने बताया कि ये हमारे डिसइंफेक्टेंट होते हैं। तो क्लास को थोड़ा सा लंबा खींचते हैं और आज हम एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे इसी क्लास में। आज हम बात करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट, यानी मैंने आपके सामने ढेर सारा डिसइंफेक्टेंट ले लिया, अब आपको पता करना है कि कोई डिसइंफेक्टेंट कितना ज्यादा इफेक्टिव है उसको कैसे पता करेंगे, तो इसको बोलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट। कैसे इवेल्युएट करेंगे? दो मेथड है, एक ट्यूब डायल्यूशन मेथड है और एक कप प्लेट मेथड है। ठीक है फ्रेंड, ट्यूब डायल्यूशन मेथड और कप प्लेट मेथड, दो अलग अलग मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। बेसिकली इवेल्युएशन का मतलब होता है कि कितने मिनिमम कंसेंट्रेशन में हमारा जो सोल्यूशन है वो कितना ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, कोई भी हमारा डिसइंफेक्टेंट कितने कम से कम कंसेंट्रेशन में कितने ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया वायरस को मार सकता है, इसको इस तरह समझिए कि जैसे किसी जंग में युद्ध हो रहा है और हमारे तरफ से सिपाही गए तो उसमें क्या हो रहा है, एक सिपाही गया, क्या नाम है, उसने 10 अपोजिशन के साथ दुश्मनों को मारा और एक गया उसने अकेले 25 को मारा और एक गया 50 को मारा अकेले, तो जो 50 वाला है वो सबसे ज्यादा पोटेंट है और 10 वाला सबसे कम पोटेंट है। जैसे आपने मूवी देखा था सारा गाड़ी का युद्ध था, 21 सिख सरदारों ने कितने सारे ढेर सारे अफगानी सैनिकों को मारा था, तो याद है मूवी कौन सा नाम है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी मूवी है जिसमें ये सीन दिखाया गया कि 21 सरदारों ने ढेर सारे 10,000 लोगों से युद्ध किया था और युद्ध खत्म किया था, वो आपको बताना है। तो चलिए ठीक है, बात करते हैं, दो मेथड है, पहला होता है ट्यूब डायल्यूशन मेथड। ठीक है फ्रेंड, ट्यूब डायल्यूशन मेथड में क्या होता है कि हम उसके कंसेंट्रेशन को डायल्यूट करके देखते हैं, यानी कि सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इसको समझिए, ये बहुत ही आसान मेथड है, आपको मेथड समझना है। एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, 1% आपके डिसइंफेक्टेंट का सोल्यूशन लेते हैं, कोई भी 1% डिसइंफेक्टेंट ले लिया उसका 1% हमने सोल्यूशन बनाया।
अब 1% क्या करेंगे, इसका 1 ml निकालेंगे और इस 1 ml को निकाल के हम दूसरे टेस्ट ट्यूब में 9 ml यानी 9 ml पहले से कोई सॉल्वेंट है और 1 ml इसको भी मिला देंगे तो फिर 10 ml हो गया। अब इसका कंसंट्रेशन कितना, इसका कंसंट्रेशन है 0.1%। भाई ये 1% था, इसका 10 पार्ट हुआ, 10वां भाग। अब इसका फिर से 1 ml लीजिए और इसका 1 ml लेकर फिर से 9 ml सॉल्वेंट में इसका 1 ml डाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0.01%। अब चाहे डायग्राम और कर सकते हैं 0.00% हो जाएगा। तो अब क्या करिए कि तीनों में बैक्टीरिया माइक्रोब्स का कल्चर लीजिए। आपको पता है कि आपने पेटी डिश में माइक्रोबायोलॉजी के लैब में पेटी डिश में क्या बनाया है, कल्चर मीडियम में आपने बैक्टीरिया ग्रो कराया है और इनोकुलेशन लूप का नाम आप सुने होंगे। इस इनोकुलेशन लूप की सहायता से यहां से कल्चर निकालिए, एक बार इसमें डालिए, एक बार इसमें डालिए और एक बार इसमें डालिए। तीनों को डालने के बाद ऑटोक्लेव में रख के 24 घंटे के लिए थोड़ा दो ऑटोक्लेव करिए और ऑटोक्लेव करने के बाद 24 घंटे के लिए इसको छोड़ दीजिए। और 24 घंटे के बाद आप क्या देखेंगे कि अगर देखिए 3-4 चीजें हो सकती है, अगर हमारा जो टेस्ट ट्यूब है वो पूरी तरह से क्लियर है तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं हुआ है। क्योंकि जैसे ही माइक्रोब्स इसके अंदर ग्रो करेंगे ऑटोमेटिकली इसका कलर हेजी हो जाएगा, टर्बिड हो जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं जिसे आप देखते हैं ना बादल का कलर का धुंधला, वो टर्बिड कलर हो जाएगा। ठीक है, यानी आप एक गिलास पानी में 2 ढक्कन दूध डाल दीजिए, हिला दीजिए, जो कलर आएगा उसको बोलते हैं टर्बिड कलर, तो नो माइक्रोब्स है। अगर इसके अंदर हल्का फुल्का है तो हम बोल सकते हैं, अगर बोल सकते हैं लाइट टर्बिड हल्का है तो मतलब फिर भी आपका देखिए, अगर ये क्लियर है तो मतलब आपका जो ये डिसइंफेक्टेंट था वो बहुत ज्यादा पोटेंट है, यानी उसका बहुत ज्यादा असर है। और अगर टर्बिड है तो कम असर है, हो सकता है और ज्यादा टर्बिड हो, और ज्यादा हेजी हो तो मोर टर्बिड होगा, और मोर टर्बिड होने का मतलब इसका पूरी तरह से डिसइंफेक्टेंट फेल हो गया, वो बैक्टीरिया के ग्रो को नहीं रोक पाया। तो हम अलग अलग कंसेंट्रेशन में देखते हैं कि किसमें ज्यादा क्लियरिटी है, सबसे ज्यादा क्लियर ये होगा, उससे कम ये होगा, उससे कम ये होगा। अगर यहां भी क्लियर आ रहा है इसका मतलब हमारा बहुत ज्यादा पोटेंट है, बहुत ज्यादा पोटेंसी है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव हमारा डिसइंफेक्टेंट है। इस मेथड के द्वारा हम ये कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब हम बात करेंगे इसके अगले मेथड की। दूसरा मेथड है जिसको बोलते हैं कप प्लेट मेथड या आगार प्लेट मेथड। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इवेल्युएशन का मेथड और ये बहुत इजी भी है। तो इसमें हम दूसरा मेथड है क्या, कप प्लेट मेथड या इसी को बोलते हैं आगार प्लेट मेथड। इसको इस तरह समझिए फ्रेंड कि कप प्लेट मेथड अगार प्लेट मेथड का मतलब क्या है। इसको समझने से पहले थोड़ा समझते हैं प्रोसीजर। सबसे पहले पेटी डिश लीजिए, इस पेटी डिश में क्या करिए फ्रेंड, आप इस पेटी डिश में क्या करिए, पेटी डिश में अगार का सोलूशन बनाइए। क्या बनाइए, अगार का सोलूशन। और इस अगार के सोलूशन को क्या करिए, बनाने के बाद इसमें क्या करिए फ्रेंड, अगार सोलूशन बनाने के बाद इसमें क्या करिए, कल्चर मीडिया से, अलग से कल्चर मीडिया से क्या डालिए, कल्चर यानी बैक्टीरिया क्या डालिए, कल्चर। और कल्चर डालने के बाद इसको कूल करिए। जब आप कूल करेंगे ये अगार प्लेट जो होता है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। सॉलिडिफाई होने का मतलब है कि वो खूब एक तरह से मोटा परत बना लेगा, खूब ठोस हो जाएगा। पहले तो लिक्विड फॉर्म में था, आप ठंडा किया सॉलिडिफाई। कैसे करना है, एक पेटी डिश लेना है, उसमें अगार सोलूशन लेना है, उसको सोलूशन को बनाना है, उसमें कल्चर मीडिया से कल्चर डालना है बैक्टीरिया का और उसको सॉलिडिफाई में छोड़ दिया। अब क्या है कि इस मीडियम के अंदर बैक्टीरिया वायरस खूब ग्रो हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने कल्चर यहाँ पे डाला हुआ है। अब क्या है, इसको इस तरह समझिए, मान लीजिए कि ये हमारा अगार का प्लेट है। ये फ्रेंड ये क्या है, अगार का प्लेट। अब इस प्लेट में आप बीच बीच में अलग अलग जगह पे छोटे छोटे कुछ होल्स कर दीजिए। क्या कर दीजिए, होल्स, और उन होल में अलग अलग प्रकार के डिसइंफेक्टेंट को डाल दीजिए। जैसे मैंने कहा कि इस वाले में मैंने ए डाला, इस वाले में मैंने बी डाला, इसमें सी डाला और इसमें डी डाला, यानी ये इस होल के अंदर अलग अलग प्रकार का क्या डालना है आपको, डिसइंफेक्टेंट, और इसके चारों तरफ बैक्टीरिया भरा हुआ है। अब इसको इस तरह समझिए, जैसे फ्रेंड मैं आपसे कहूं कि आपके सामने ये 2 टॉर्च है और मैं, आप लोग बचपन में खेल खेले होंगे, अपना अपना टार्च लेकर लड़ाए होंगे, किसी बहुत दूर तक लाइट जाती है, किसी बहुत दूर तक लाइट जाती है। तो आप क्या करिए कि दोनों टार्च को, एक टार्च को जलाइए, देखिए लाइट कितनी दूर तक जा रही है, और एक टार्च नहीं, देखिए लाइट कहाँ जा रही है। भाई मान लीजिए इस टार्च की लाइट जा रही है 100 मीटर और इसकी लाइट जा रही है 10 मीटर, ज्यादा पोटेंट कौन हुआ, ये वाला, ज्यादा दूर तक कौन जाएगा। तो बस यही लाइट वाला सिस्टम है, क्योंकि अगर आपने इसकी EBCD में डिसइंफेक्टेंट डाला है तो जैसे टार्च की लाइट दूर तक जाती है वैसे इस डिसइंफेक्टेंट का असर भी तो जाएगा साइड साइड में।
यानी जितना ज्यादा पोटेंट डिसइंफेक्टेंट होगा वो उतनी दूर तक के बैक्टीरिया वायरस को किल करेगा। जैसे मैंने ये देखा, ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया, ठीक है। इसको इस तरह समझिए, यानी मैं ये कहूं कि जो ए वाला डिसइंफेक्टेंट है उसने इतनी दूर तक क्लियर किया, बी वाले ने बस, सी वाले ने इतना, बी वाले ने इतना और डी वाले ने इतना। यानी इन चारों प्लेट जो आपने होल्स बनाया था, उस होल्स में जो डिसइंफेक्टेंट डाल दिया था उसके चारों ओर का जो क्लियर एरिया आपको दिखाई दे रहा है, मतलब इतनी दूर इसने बैक्टीरिया वायरस को मार दिया, इसने इतनी दूर मारा, इसने इतनी दूर मारा और सी ने सबसे कम दूर मारा, तो हम ये कह सकते हैं जो सी है वो सबसे कम इफेक्टिव है और जो डी है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव। कैसे डिसाइड हुआ कि टार्च की रोशनी कितनी दूर तक गई, यानी कि इसके चारों तरफ कितना ज्यादा स्पेस यानी राउंड बना। तो यही है कप प्लेट मेथड। कैसे कप प्लेट मेथड से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो आपका डिसइंफेक्टेंट है वो कितनी ज्यादा दूर तक के यानी कितनी ज्यादा संख्या में बैक्टीरिया वायरस को मार सकता है, ये हो गया इसका इवैल्यूएशन, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गया हमारा इवैल्यूएशन। अब लेक्चर नंबर 2 लेकर आएंगे माइक्रोबायोलॉजी में और इसके आगे टॉपिक खत्म करेंगे। कैसा लगा आपको लेक्चर जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।